एक्वेरियम अद्भुत तो है ही, पर आज हम सिर्फ मछलियाँ ही नहीं देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। पर वो तो हमारी भाषा नहीं समझ सकती। मैंने ये यंत्र बनाया है जिससे हम एक दूसरे की भाषा समझ सके। तो क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए। इन्हें अपने कान में लगा लो। तुम्हारा कोई नाम है क्या? फीफी है मेरा नाम। कैसी हो फीफी? क्या हुआ, घर की बहुत याद आती है? नहीं। तो क्या यहाँ बोरियत होती है? बोरियत तो समंदर में होती थी। तो फिर परेशानी क्या है? मुझे मेरे बहन भाई जीजी कीकी दीदी की बड़ी याद आती है, वो अब भी समंदर में रहते हैं। सोचो तुम सब साथ होते हो तभी मजा आता है ना? अगर अकेले हो जाओगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल सच फीफी। क्या तुम जीजी कीकी दीदी को यहाँ ला सकते हो? हाँ फीफी, हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। भीम। प्रणाम अच्छी परी, मगर ये काम नहीं करेगी। क्या? क्यों? इस दवाई में एक खास चीज की कमी है, उसके बगैर ये काम नहीं करेगी। वो क्या अच्छी परी? वो जो भी हो हम उसे जरूर ले आएंगे। बताइए अच्छी परी। समुद्री शेर। समुद्री शेर? जंगल का शेर ही डरावना है, फिर समुद्री शेर तो। अब तुम समुद्र के नीचे सांस ले सकते हो। भीम, ये तुम्हें समुद्र के नीचे ले जाएंगे। हाँ, और ये पानी में सांस भी ले रहे हैं। भीम, छोटा भीम, और हमें समुद्री शेर से मिलना है। क्या कहा, ये पिद्दी और मुझ जैसा? उस्ताद, उस्ताद। उस्ताद, उस्ताद। भीम, बचाओ, बचाओ, बचाओ। कौन है ये भीम, छोटा भीम? मैं। यही वो इंसान है उस्ताद। जब तुम मुझे हराओगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। एक छोटा इंसान और मुझे चुनौती देगा। Yeah!
पिद्दी ने हमें भेजा है। उसने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए बुलाया है। तो चलो देर किस बात की। साल की हो गई है और अब तो ये नाच भी सकती है। इसका मतलब ये झुंड ही तुम्हारा परिवार है। तुम भी इन्हीं में से एक हो। अब तुम इनके साथ